मैं लाता हूँ आपके लिए मोबाइल अनबॉक्सिंग सिर्फ यूट्यूब पर। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपको ले जाऊंगा आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो मेरा नाम है उस्मान अली, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइंडर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ मेट 10 लाइट, जिसके मैं कीपैड की सेटिंग बताऊंगा। हम कुछ भी वर्ड लिखते हैं वो ऑटोमेटिक ही करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि मैंने कुछ लिखा है वो कुछ और कर देता है, बिल्कुल जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं लिख रहा होता। तो आज मैं उसकी सेटिंग करना बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इससे होगा मेरी लेटेस्ट आने वाली जो वीडियो होगी आपको मिल जाएगी। तो उसे शुरू करते हैं मेट 10 लाइट। अब ये देखें, मैंने इसका कीपैड खोल लिया है, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ ये ऑटोमेटिक ही कुछ और कर देता है। मैं कुछ और लिख रहा हूँ ये कुछ चेंज कर देता है, वो नहीं लिखता जो मैं लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपने सिंपल सा ये डॉट है, फेस बना हुआ है, देखें कीपैड नीचे ये डॉट है, आपने इस पर प्रेस करके रखना है। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे गूगल कीबोर्ड आ जाएगा, गूगल लैंग्वेज के नीचे आप गूगल कीबोर्ड सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद फर्स्ट में आपने आना है प्रीवेंस, इसमें लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप देखें वाइब्रेट ऑन कीपैड प्रेस। ठीक है, आप इसे यानी कि जब कोई भी बटन डायल करते हैं तो वाइब्रेशन करता है, वो आप उसे क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। जब कुछ डायल करते हैं ऊपर कीपैड पे पॉप अप शो कर रहा होता है कि एच लिखा ऊपर एच शो करता है, आप इसको प्रेस करके ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नीचे बैक पर आ जाता हूँ, आप ये देखें टेक्स्ट करेक्शन लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन ऑन है आपने ये सारे ऑफ कर देने हैं। ऑफ करने के बाद हम बैक पर अपने कीबोर्ड में चल जाएंगे। अब देखिए मेरे नीचे जो भी ऑटो करेक्शन शो हो रहा था वो ख़त्म हो गया है, अब ये नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।